जय श्री राधे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक विशेष वर्ग द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। गौड़ीय उपासना तो पूरी मंजरी भाव पर टिकी हुई है और मंजरियाँ राधा जी का ही प्रकाश स्वरूप हैं। राधा की ही उपासना हमारे गौड़ियों में होती है, लेकिन हमारे उपास्य केवल राधा नहीं है, हमारे उपास्य प्रिया प्रियतम हैं। और ये पति पत्नी भी नहीं है, ये प्रिया प्रीतम प्रेमी प्रेमिका हैं। हम प्रेमिका श्री राधा जी का आश्रय लेते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके जो स्वामी हैं, राधा जी के जो स्वामी हैं, कहीं कहीं ये भी बात कह दी जाती है कि कृष्ण तो राधा जी के चरणों में पड़े रहते हैं, पड़े नहीं रहते हैं। ये राधा जी का तत्सुख सुखित तो है। कृष्ण ने कहा, स्वामिनी जी मैं तुम्हारे पैर दबाए दऊं? स्वामी जी ने कहा, क्यों श्याम सुंदर? बोले मुझे आनंद मिलेगो। अच्छा ठीक है, तुम्हें आनंद मिले तो तुम मेरे पैर दबाए लो। कृष्ण को आनंद देने के लिए वो पैरों की तो चले क्या, प्राण भी प्रस्तुत कर देती हैं। तत्सुख सुखित्व ये गौड़ीय परंपरा और गौड़ीय संप्रदाय का एक विशेष जो तत्व है। प्रिया जी हों चाहे प्रियतम हों, एक दूसरे के सुख के लिए पाप पुण्य को नहीं देखते हैं। आपने देखा था ना कि द्वारका में पेट में दर्द का नाटक किया, द्वारका की कहा गया कि कोई रानी अपनी चरण रज दे दे, तो रानी का हम अपनी चरण रज स्वामी को दे देंगे, हमें तो नरक में जाना पड़ेगा। ब्रज में आए, सखियों से कहा, सबने कहा हमें नरक जाना पड़े 100 जन्म तक, कोई चिंता नहीं है, श्याम सुंदर का दर्द ठीक होना चाहिए, तो हमारी चरण रज लेके जाओ, तुरंत लेके जाओ, तुरंत। सबने चरण घिस घिस के रज भर भर के दे दी। तो ये है तत्सुख सुखित्व, तो राधा जी की ही उपासना है। और मंजरी भाव, मंजरी भाव वो सूक्ष्मतम भाव है जो राधा जी की दासी रूप में राधा जी स्वयं ही हैं। और आप ये देखिए, गौड़ियों का कोई भी संकीर्तन होगा, कोई भी प्रवचन होगा, निताई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे, पूरे वृंदावन में 90% गौड़ियाँ हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे राधे, रिक्शा वाला राधे राधे, मंदिर वाला राधे राधे, सब राधे राधे बोलते हैं। लेकिन जहाँ जाप है, वहाँ जाप में खाली राधे राधे बोलने की विधि नहीं है। आप राधे राधे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप युगल उपासक नहीं हैं, आप कृष्ण का बहिष्कार कर रहे हैं। या आप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं राधे राधे कह के, तो फिर राधा जी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। ये एक तरफी उपासना है। राधे राधे बोलेंगे जरूर, लेकिन जब जप करेंगे तो हरे कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा रमण 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 राधा राधा, दोनों का जप करेंगे, दोनों की उपासना करेंगे। आश्रय तत्व राधा हैं तो विषय तत्व श्री कृष्ण हैं। युगल उपासना ही गौड़ियों का है और उसमें राधा जी को छोड़ा क्या, राधा जी के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहें। ठीक है, कुछ कुछ पंथ कुछ मत इस समय प्रचार में हैं बहुत अच्छे, जो राधा राधा का जप करने को कहते हैं, तो गौड़िये हो या कोई भी हो, मना नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि राधा रानी आनंद आलादनी शक्ति हैं, आनंददायी शक्ति हैं। करिए, राधा राधा का ही जप करिए, कोई मना नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ युगल उपासना है, तो हम राधा राधा का जप करने का मना नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे राधा के साथ कृष्ण और मिला लो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये युगल मंत्र है जो निम्बार्क संप्रदाय का नाम महामंत्र है, और हरे कृष्ण ये महामंत्र है जो गौड़ीय संप्रदाय का ही नहीं है, सभी संप्रदाय इसको जप करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए और भ्रम में न फंसा जाए। जय श्री राधे।